दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी अपनी पेन ड्राइव लेकर आता है और आपके सिस्टम से डेटा लेकर चले जाता है। कई बार ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट प्रोटेक्शन अनेबल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएगा तो वो आपके सिस्टम से डेटा नहीं ले जा पाएगा, अपनी पेन ड्राइव से जरूर आपके सिस्टम में डेटा डाल सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज लेंगे रजिस्ट्री सेटिंग का, और इसके लिए दो रजिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक राइट प्रोटेक्शन अनेबल करने के लिए और एक राइट प्रोटेक्शन डिसेबल करने के लिए। वीडियो की ज्यादा लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर जो चेंजेस आपको करने हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं आपको रजिस्ट्री क्रिएट करके दे दूंगा, जस्ट आप डाउनलोड करके यूज ले सकते हैं। कैसे यूज लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अनेबल करने की। तो यहां पर ये जो रजिस्ट्री है, ये पहले नंबर की रजिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये इसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नया नोटपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आपको ये रजिस्ट्री सेव कर देनी है, फाइल में गए सेव एज किया डेस्कटॉप पर, और अनेबल राइट प्रोटेक्शन .reg एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे, ठीक है, .reg ध्यान रखिएगा, देन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे ये रजिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। जब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको यस करता हूँ और कंटिन्यू करके इसको यस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया द कीज एंड वैल्यूज कंटेन्ड इन सी ड्राइव हैव बीन सक्सेसफुली एडेड टू द रजिस्ट्री। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप अपने सिस्टम में जब पेन ड्राइव लगाएंगे, कोई सी भी पेन ड्राइव, जैसे सपोज मैंने एक पेन ड्राइव यहाँ पे लगाई, ठीक है, ये पेन ड्राइव मेरे सिस्टम में आ गई है, जिस पीसी में गया और ये पेन ड्राइव आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे ये पेन ड्राइव मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं कोई भी डेटा यहाँ पर अपनी इस पेन ड्राइव में कॉपी करूंगा तो आप देख सकते हैं क्या एरर आता है। मैं यहाँ पे जैसे सपोज यही फाइल कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी। आप देख सकते हैं द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ओके, डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड आ रहा है, मैं ट्राई अगेन कर लूँ कितनी भी बार कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे सिस्टम से इस पेन ड्राइव में कुछ भी कॉपी नहीं होगा। और सपोज अगर मैं अपनी पेन ड्राइव से लेना चाहूँ कुछ, जैसे सपोज अगर मैं इस फाइल को लेना चाहता हूँ, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं अपने सिस्टम में पेस्ट करता हूँ, तो मैं अपनी पेन ड्राइव से यहाँ पर इस फाइल को ले सकता हूँ। ये फाइल मेरे सिस्टम में आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये री फाइल। ओके, इसी तरीके से अगर आपको सेटिंग ऐसा लगता है कि आपके काम की नहीं है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैंने जो नोटपैड फाइल आपको दिखाई, इसमें जो सेकंड रजिस्ट्री है वो है डिसेबल की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पर्टिकुलर रजिस्ट्री पाथ में जाके इस वैल्यू को यहाँ पे हमने वन किया, दैट मीन कि अनेबल हो गया, इसको ही हमने जीरो कर दिया तो यहाँ पे डिसेबल हो गया। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये सेकंड रजिस्ट्री पाथ है जो कि डिसेबल करने के लिए मैंने इसको कॉपी किया, एक नया नोटपैड फाइल बनाया यहाँ पे, ठीक है, देन इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, देन फाइल में गए सेव एज किया और डेस्कटॉप पर सपोज डिसेबल राइट प्रोटेक्शन .reg यहाँ पे करा, देन सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये हो गया डिसेबल राइट प्रोटेक्शन का। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है, यस करना है, देन अगेन आपको ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, द कीज एंड वैल्यूज कंटेन दिस हैव बीन सक्सेसफुली एडेड टू द रजिस्ट्री, ठीक है। सक्सेसफुली एडेड टू द रजिस्ट्री मतलब अब जो रजिस्ट्री है उसने अपना काम कर दिया है, एड हो गई है, ठीक है। तो अब आप जब अपने पेन ड्राइव को निकाल के वापस लगाएंगे तो जो राइट प्रोटेक्शन है वो हट चुका है। जैसे ये आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव है, अब मैं इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट करूं वो चले जाएगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, देन इसको पेस्ट किया, तो ये फाइल यहाँ पे आ गई जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसका यूज आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके सिस्टम से आपकी मर्जी के बिना कोई भी डेटा ना ले पाए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।